हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है एसजी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और इनोवेटिव बेकार के ब्लॉग में। तो मैंने जो जितने भी वीडियो बनाए हैं पिछले 2 या 3 दिन में, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। उसमें से 2 वीडियो है पूजा के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे पूजा होते हैं, बनपुर आसनसोल में, ठीक है। और 3rd वीडियो है बाइक पार्किंग के ऊपर कि आप अगर घूम रहे हो बनपुर में पूजा वगैरह के लिए आए हो या ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए आए हो, और अगर आपको जो है बाइक पार्किंग की जगह नहीं पता सेफ, तो आप कहाँ पे बाइक पार्क कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। और फिर आज भी मैं एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन बारिश गिर रहा था, पूरा दिन बारिश हुआ। मैं घर आया कॉलेज से करीबन 4:30 बजे और तब से लेकर जो है पूरा बारिश ही बारिश हो रहा है। और कॉलेज में वैसे आजकल उतने अच्छे क्लासेस नहीं हो रहे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है कि दोस्तों के साथ। यार लास्ट कुछ मंथ चल रहा है तो मज़ा तो आना ही है। खैर वो बात अलग है। मुझे ना एक नई बीमारी लग चुकी है। बीमारी है कुछ, मतलब क्या ही बोलें, सपोज मतलब ओवर वर्क करने का बीमारी, मतलब क्या ही बोले। जैसे कि कॉलेज से प्रेशर है, ठीक है, कॉलेज के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, एग्ज़ाम सामने आ रहा है, तो वो भी कर रहा हूँ, गेम भी खेल रहा हूँ साथ में, राइस का भी कुछ पढ़ रहा हूँ, पर अंत में क्या हो रहा है, एक दो चीज़ें भूल जा रहा हूँ मैं। जैसे कॉलेज में जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के मेल आ रहे हैं उनको फिलअप करना भूल जा रहा हूँ, बाद में दोस्त याद दिला रहा है तब जाके याद में आ रहा है। तो मतलब ओवर वर्क करने का एक भूत जो है मेरे ऊपर सवार होता जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। अब क्या करना चाहिए कि सुबह में उठ के जो मेडिटेशन का वगैरह करना चाहिए, हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा। फास्ट फूड खा रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा, सुबह नहीं उठ रहा हूँ। आज पता है क्या हुआ, आज मैं कॉलेज गया था, ठीक है, तो गाड़ी पार्किंग करने के लिए हमारे पास एक ग्राउंड है कॉलेज में, या तो ग्राउंड में करो या तो फिर बाइक का स्टैंड है एक रो वाइज वहाँ पे कर लो। तो स्टैंड जो है फुल हो चुका था, तो मैंने ग्राउंड में किया था पार्किंग। अब तो मैं ग्राउंड में जो था बहुत सारा कीचड़, क्योंकि बारिश हो रहा है बहुत तेज़, मैं ग्राउंड में गाड़ी लेकर गया। अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ और गाड़ी का पिछला वाला टायर स्किड मार रहा है, ठीक है। तो स्किड कितना मारता है, थोड़ा सा 60 डिग्री मारा, 30 डिग्री मारा, मेरा मारा 90 डिग्री, और थोड़ा और मारते तो मैं गिर जाता। सोच रहे हो, मैं एक्सेलेटर मार रहा हूँ मेरे बैटरी वाली गाड़ी में, स्किड मार रहा है पिछले वाला टायर, 90 डिग्री तक मार चुका है स्किड, बताओ। तो मैं बहुत मुश्किल से जैसे तैसे गाड़ी पार्क करके आया। अब जब छुट्टी हुआ, मैं घर वापस आ रहा हूँ, तब क्या हुआ, रोड में कुत्ता घुस दिया था बीच में, गाड़ी का सामने कुत्ता आ चुका था, मैंने ब्रेक मारा, रोड में गाड़ी स्किड किया, फिर गाड़ी स्किड किया करीबन करीबन 30 डिग्री के एंगल में स्किड किया, मैंने जैसे तैसे करके संभाला। वहाँ पे अगर मैं नहीं संभालता मैं बहुत तेज गिरता। तब से ना एक डर बैठ गया मन में इसका। पहले मैं जो गाड़ी चलाता था, मेरे मेरे पीछे जो भी बैठते थे कहते थे, यार कैसे चला ले रहा भाई, तू इतना गजब। मैं सही बता रहा हूँ, मैं उसके बाद से घर आया एकदम 10 की स्पीड में, भाई बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका है। वैसी बात नहीं है, मैं हेलमेट पहन के गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ, लेकिन भाई सही में डर बैठ चुका है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव हेल्दी लाइफ।